वी गॉट टॉप 13 और काफ़ी सारे टैलेंट इस बार आए। शिवम जैसे एक बहुत ही अच्छा टैलेंट मैं देख रहा था, शिवम की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी। मैं आपसे ही चालू करूँगा, आप कुछ क्या कुछ कहना चाहोगे टॉप 13 के बारे में, जिस तरह टॉप 13 एंड हेड्स ऑफ टू यू गाइस, इतने सारे टैलेंट में से टॉप 13 निकालना इज अ बिग टास्क, अगर आप कुछ बताना चाहोगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि थैंक यू टू द टीम कि उन्होंने हमको 13 करने दिया, टॉप 12 था। फिर हम लोगों की बड़ी मतलब बहुत आगे पीछे जाके बैग इन प्लीड करके हमको अलाव किया गया कि हम एक और जन को ले सके, सो थैंक यू फॉर दैट टू द चैनल टीम प्रोडक्शन एवरीबडी। अब मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़े और मेहरबान हो जाओ और 13 के 15 16 करने दो, बिकॉज इतना सारा अच्छा टैलेंट था दैट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू चूज़ कि सिर्फ 13 लोग लेना। अब मैं होप कर रही हूँ कि आई डोंट नो इफ आई कैन से इट एंड आई डोंट नो अगर इस शो का ये फॉर्मेट है, ये तो दोनों ज़्यादा जानेंगे, लेकिन कुछ वाइल्ड कार्ड्स वगैरह आ सकते हैं क्या, क्योंकि ऑडिशंस में इतना अच्छा टैलेंट था, मैं उनको फिर से देखना चाहती हूँ। ये हमारा कॉल तो हमेशा मतलब ये हमारा कॉल हो ही नहीं सकता। ओके, वाइल्ड कार्ड्स होंगे आएंगे जिनका एक मौका मिस हो गया है, बट आई फील वाइल्ड कार्ड्स के लिए एक डिसएडवांटेज होता है बिकॉज बाय दैट टाइम आप ऑलरेडी बाकियों को इतना देख चुके हैं कि इट्स ऑलवेज फील्स लाइक अ डिसएडवांटेज। ओके, बट वाइल्ड कार्ड इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इतनी टैलेंट आई है कि आई थिंक सीजन 4 के लिए इंडियाज बेस्ट डांसर रेडी है, एंड जो आज इस सीजन में बच गए हैं आई थिंक दे कैन गेट अ डायरेक्ट एंट्री इनटू सीजन 4, दे आर दैट गुड। आप क्या कहना चाहोगे, काफी फ्रेश टैलेंट आए हैं। मैंने ये प्रथा देख चुका हूँ दूसरे शोज में भी, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3। सीजन 1 पे जो डांसर्स हैं वो नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि क्या ही शो होगा, कौन से जजेस होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, तो वो थोड़ा पीछे हटते हैं, तो हमें नौसीखे मिलते हैं। फिर जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो आते हैं, सीज़न 2 फिर भी नहीं आते, बोलते कि पता नहीं सीज़न 2 चलेगा कि नहीं। लेकिन जब सीज़न 2 चलता है, जिस तरीके से हमारा सीज़न 2 वाज नंबर 1 फॉर ऑल वीक्स इन अ रो, ये कभी हुआ नहीं है एनी डांस रियलिटी शो में कि थ्रू आउट द वीक ओके वी वर नंबर 1 इन सीज़न 2, तो फिर डांसर्स को लगता है कि इस बारी हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो हमें जो आज इस बारी मिली है सीज़न 3 में, वो ऐसे कमर कसके हुए डांसर्स मिले हैं जो बहुत सक्षम हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, इनकी परफॉर्मेंस में एक मैच्योरिटी है, तो हमें भी थोड़ा बहुत यू नो फील हुआ कि यार ये क्या हो गया, बट आई रियलाइज दिस इज़ गोना हैपन। जो डांसर्स अपने आप को बचा के रखे थे ना, दे वर वेटिंग कि सही टाइम पे वो आएंगे एंड दे नो कि इस सीज़न बड़ा होने वाला है, बट सीज़न 3 एवरीबडी नोज द फॉर्मैट, डांसर्स ऑल्सो नो द फॉर्मैट, तो तैयारी के साथ आए हैं, कोई कच्चा नहीं है, एंड दैट इज़ द इशू ऑल्सो, बट ऑल्सो इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए मज़ा आएगा। और ऐसे मुख्तलिफ स्टाइल्स आए हैं, ऐसे ऐसे शैली आए हैं जो बहुत ही नायाब है। इनफैक्ट गीता न्यूनेस देखती हैं, उसको न्यूनेस का भंडार मिल गया इस सीज़न में। ओके, और सोनाली जी हैं जो जनरली हमारा फॉर्मूला है ENT, एंटरटेनमेंट न्यूनेस और टेक्निक। एंटरटेनमेंट यू नो मैडम दिखती हैं, लेकिन क्या है कि इस बारी सोनाली जी ने क्या किया है कि उन्होंने एक और तड़का लगा दिया है। ई इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो एनर्जी एंड इमोशन, कि वो इमोशन क्या डांस सिर्फ डांस है, क्या उनकी मतलब सिर्फ एक यू नो आतिशबाजियाँ हैं, या क्या वो इमोशन के ज़रिए वो गाने को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं को आगे रख सकते हैं और हमें मूव कर सकें, तो दैट इज़ द ब्यूटी दैट इस बारी वो डांसर्स हमें मिले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। समर्पण के पैर, अरे वो मोमेंट किस तरह था, काफी और डांस भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने। एक तो वो बच्चा इतना रॉ है, पहली बार एक रियलिटी शो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने परफॉर्म किया उस दिन, आई थिंक ही जस्ट टुक ऑल आवर हार्ट्स अवे। उसके पैरों में एक ताकत है, हम एज डांसर्स वी वैल्यू आवर फीट अ लॉट। हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग दैट वी डू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल एंड बैलेंस ऑफ आर फीट, दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से उसने अपने टैलेंट को डिस्प्ले किया, एक तो उसके पैरों को सच्ची में नज़र ना लगे, द वे ही यूटिलाइजेज इट, एंड इसीलिए मैंने उनके पैर को टीका लगाया था ताकि उसके पैरों को नज़र ना लगे। ही इज़ इनसेंट रॉ, एंड ऐसे आपको बहुत लोग इस सीज़न में मिलेंगे
जो बहुत दिल से अपनी क्राफ्ट को इस मंच पे लेके आए हैं और प्रेजेंट किया है. सो इट्स अमेजिंग. मैम आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की तैयारी आपकी है जजिंग पैनल पे, आप लोग आप कुछ बताना चाहोगे, किस तरह टैलेंट किस तरह लग रही है अभी, काफ़ी सारे टैलेंट. टैलेंट अमेजिंग है, जैसे टेरेंस ने कहा इट इज़ फैंटास्टिक. और मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इस किस्म का टैलेंट है. मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैंने अभी तक जो टैलेंट देखा है उनको इस स्टेज पे अगर आप वर्ल्ड के किसी भी डांस कंपटीशन में भेजोगे वो जीत के आएंगे. उस लेवल का टैलेंट है. सो इट्स लिटरली एंड टोटली वर्ल्ड क्लास टैलेंट. तो मुझे और जहाँ तक पैनल की बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एक तो ये जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ही, लेकिन उसके अलावा इस किस्म का जब टैलेंट देखने को मिलता है तो इट इज़ सो एक्साइटिंग कि यहाँ पे आप आ रहे हो और आप एंटरटेन हो रहे हो, आप इतना अच्छा टैलेंट देख रहे हो, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हो. सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अदर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें तो जॉब है ही नहीं, ये तो मज़ा है. यू नो यू कम हियर एंड यू एन्जॉय योर सेल्फ एंड यू गो. एंड देन ऑफकोर्स आई हैव टू मैड पीपल नेक्स्ट टू मी, गीता एंड टेरेंस, जो पूरे पागल हैं. सो मैं और भी एंटरटेन्ड हो जाती हूँ. दोनों के साथ पुराना रिश्ता है, देव बिन यू नो वी नोन ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ. सो एक कंफर्ट डेफिनेटली है और दोनों की कंपनी बहुत इन्जॉय भी कर रही हूँ इसलिए मैं. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और जब चैनल पैसा देता है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है. तो बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ. इंडियाज़ बेस्ट डांसर मैं पहली बार होस्ट कर रहा हूँ. टू बी रियली फ्रैंक इन तीनों के साथ मैंने काम कर चुका हूँ. अलग अलग स्टेजेस पे गीता एंड टेरेंस के साथ तो मैंने अपनी शुरुआत की थी एंकरिंग की, और लेटली सोनाली जी के साथ भी हमने एक रियलिटी शो किया था. तो पहले से मैं इन तीनों को जानता था तो मैं ऑलरेडी बहुत खुश था. और मैं बता रहा हूँ हमने ग्रैंड प्रीमियर शूट किया है और इतना मज़ेदार एपिसोड निकला है कि क्या बताओ. और कुछ गॉसिप्स भी है मेरे पास और जो वो गॉसिप्स के बारे में मैं बात करूँगा, दो जन होंगे जो सबसे ज़्यादा शर्माएंगे, आप ही खुद नोट कर लेना. हमने कुछ यहाँ पर नए नए ऐसे डेवलपमेंट्स देखे हैं. लव बर्ड्स हमने देखे हैं यहाँ पर, वो बहुत कमाल के हैं ना सोनाली जी. मुझे बहुत डर लग रहा है जय कि तुम क्या कहने वाले हो. क्या मुझे एक्चुअली डर लग रहा है. नहीं मैं वो इनकी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं सुष्मिता और उनकी, आपको क्या लग रहा अच्छा, था. ओके ठीक है और कुछ नहीं. ऐसे इतना नॉटी नॉटी स्माइल क्यों कर रहे हो. मेरी स्माइल है ही नॉटी. मैं बता रहा हूँ ना, और आपके कंपनी में ज्यादा नॉटी हो जाती है. मेरे ना गॉसिप अगर तो आपको जानना है ना मेरे पास आई है, मेरे पास सारा गॉसिप होता है. इसकी भी बहुत गॉसिप है मेरे पास. और इनकी अगर गॉसिप चाहिए तो ग्रैंड प्रीमियर देखना, मतलब कमाल की गॉसिप. ओह मतलब ये मुझे पहली बार इन्होंने मुस्कुरा रही है. गॉसिप मैं दूंगी आपको, दे दो. अरे सबको सुननी है. नहीं नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपके साथ दिखाऊंगी. इट विल बी समथिंग न्यू वेरी डिफरेंट जो आप मतलब यू नो मुझे लगता है कि काम पे आ गया वापस. अब नहीं मैं ये कहूंगी को मां यू नो मैच नहीं कर पा रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है गीता ही बुलाए वो ज्यादा बेटर रहेगा. वैसे भी उनके पास ऑप्शन हमेशा था कि वो मुझे मां बोले या ना बोले. हाँ लेकिन बस आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी चीजें हो रही है, अब पूरा नहीं बताऊंगा, आप एपिसोड देख रहा. बहुत ही क्यूट कहानी है और क्यूट दिखते भी है. और स्टाइल्स में हम कहेंगे कि बहुत अलग अलग नए स्टाइल्स हैं, क्योंकि जिस तरह से डांस फॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से फ्यूजन यूज़ किया जा रहा है. तो इनिशियली बिगनिंग में जब हम देखा करते थे कुछ सालों पहले तो फ्यूजन कभी कभी इतना टेरेंस का फेवरेट लाइन एक्चुअली कन्फ्यूजन हुआ करता था. लेकिन अभी जो फ्यूजन हम देख रहे हैं वो इतना एलिगेंटली किया हुआ है that it's a joy to watch. और अलग अलग styles को जैसे अलग अलग artist और talent जो हमारे पास आए उनकी अपनी जो style है जिसमें वो strong है उसको उन्होंने practice करके उसमें दूसरे styles भी mix किए हैं और एक नई style evolve की है. जैसे Terence ने कहा कि गीता newness ढूंढती है और बहुत सारा newness मिल रहा है और मुझे यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. आई मीन इट इज अमेजिंग, मैं लिटरली डांस का एवोल्यूशन देख रही हूँ मेरे सामने. सो इट्स अमेजिंग फॉर मी. डेफिनेटली इनका है लेकिन ये बताएंगे नहीं.
देखा नहीं बताया, फिर हम बायस हो जाएंगे ना। हम जज क्यों है, हमारा कोई बायस नहीं सकता। फिर आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार इसने बोला था ये फेवरेट इसलिए ज्यादा बोल रहा है इसके लिए। नो प्रॉब्लम, मैं अनबायस्ड। हाँ बताइए ना। इसीलिए कोई नहीं है मेरा फेवरेट, बिकॉज़ आई एम अनबायस्ड। इट्स इंडियाज बेस्ट डांसर, तो कोई फेवरेट होने का चांस ही नहीं है, सभी फेवरेट हैं, बिकॉज वो अपनी शैली में बहुत ही सक्षम है एंड दे आर अमेजिंग। वो सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग बायस्ड। और इमोशनली एटलीस्ट आई फील वो मैं अलग रखता हूँ एज अ जज। आपकी कहानी अलग, अगर आपका डांस अच्छा है तो उसके बारे में बात करूँगा, आपसे मैं हमदर्दी कर सकता हूँ, जता सकता हूँ विथ योर स्टोरी एंड एवरीथिंग। बट दैट असाइड, डिसीशन मेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर कट डांस पर। लास्टली ग्रैंड प्रीमियर का सेलिब्रेशन पूरा, इसमें क्या देखने मिलने वाला, क्या तैयारी है? त्यौहार है, डांस का त्यौहार है, और ये डांस का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट का बिगेस्ट सेलिब्रेशन है, इसलिए क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जब हम डांस शोज करते थे तो एक यू नो वेरी एक चार पांच स्टाइल्स हुआ करते थे। आज जो बच्चे लेकर आ रहे हैं वो आज की आवाज़ हैं, आज की पीढ़ी है, और उनका जो व्यक्तित्व है वो उनके डांस में दिखता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी इन देयर डांस व्हिच वाज नॉट सो प्रेजेंट अर्लियर। तो एक अलग लेवल का माहौल है, त्यौहार है, हम जश्न मना रहे हैं कि हमें ऐसे इंडिया के बेस्ट डांसर्स मिले हैं जो एक से एक बढ़कर हैं और जुदा है एक दूसरे से। एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द फन पार्ट, कि एक डांस का मेला होने वाला है। सो गाइस बी रेडी टू सी द बेस्ट ऑफ इंडिया डांस एंड शाइन ऑन स्टेज। एक और बताएं, कुछ बोलो, डायरेक्टेड टू यू, कम इट वाज, मुझे पूछा आपने, तीनों से पूछा, चलो आप बताएं। मैम ये दो है तो ठीक है। मुझे आई थिंक अनिकेत ने, गीता यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। हमेशा हर ऑडिशन में होता है ये कि कभी कभी एक कंटेस्टेंट को देख के इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि दिस पर्सन नीड्स अ फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता है ये मेगा ऑडिशन में भी पार कर ही जाएगा। अनिकेत इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिसको देख कर इमीडिएटली, अगर आपने देखा होगा, हमारी एक डिस्कशन हुई थी और उस डिस्कशन में बिफोर वी कैन कमेंट ऑन हिम आल्सो हमने तय किया था कि इस बच्चे को शायद डायरेक्ट एंट्री मिल जानी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अनिकेत। एंड अगर हम ये डिसीजन और ले पाते तो आपको डायरेक्ट एंट्रीज एटलीस्ट 6 से 7 मिल जाते, लेकिन फिर एक टीम बैठती है पीछे जो हमें हर एक्ट के बाद आके डांटती है, तो हम ये कर नहीं पाते। हाँ जी, सॉरी, नहीं आप काटिए ना, बोलिए ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अभी पिक्चर, थैंक यू, अभी विजुअल ले लीजिए, थैंक यू, प्लीज विजुअल। अरे कौन है मोबाइल, अरे कौन है मोबाइल, पीछे लो मैडम, अभी रेडी मेरा भी लोगे, गिव अस अ लुक प्लीज सो दैट वी ऑल लुक देयर। वेट वेट वेट,